हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये एक चाइना पीसीबी है, न्यू जैसा ये देखा जाता है, बट ये न्यू नहीं है, ये 2 साल पुराना हो गया ये चैसिस। और ये चैसिस का एक प्रॉब्लम कि इसका अभी इसका साथ इंडिकेटर नहीं है, सेंसर कुछ भी कनेक्शन नहीं है। बट इसका जो प्रॉब्लम इंडिकेटर अप डाउन और जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, ये इसका अंदर शो हो रहा है। तो ये मैं रिपेयर करूंगा। रिपेयर करने के पहले ये चैसिस को अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। सब कुछ देखने के बाद जो देखा जाता है, आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो पोजीशन देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जल गया है और ये पोजीशन पर एक रेजिस्टेंस जल गया। तो आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ये पोजीशन का रेजिस्टेंस और ये पोजीशन का रेजिस्टेंस जल गया। तो ये कौन सा पोजीशन का रेजिस्टेंस है, चलिए मैं आपको पीछे से एक बार घुमा के दिखाता हूँ कि देखिए ये पोजीशन फॉलो कीजिए कि ये एबीएल लाइन का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये लाइन जो जा रहा है बीच में, ये जो एक ये डायोड का निशान है, तो ये अच्छा करके देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन का अच्छा करके देखने के बाद जो देखा जाता है, देखिए बीच में और एक रेजिस्टेंस है और ये एबीएल पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। बीच में एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद ये सेकेंड रेजिस्टेंस है एबीएल लाइन का। तो इसका वैल्यू भी आपको बताऊंगा। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि इसका प्रॉब्लम किस तरह आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टिक कैप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक न्यू टेक्नीशियन ये पीसीबी को मेरा पास लेके आया, ठीक है। और सप्लाई देने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह इसका प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। और चलिए इसी टाइम आपको एक बार सीरीज लाइन से सप्लाई देख के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और सीरीज लैंप ब्लिंक कर रहा है और उसी का साथ 110 वोल्ट लाइन सप्लाई देखिए, 23 वोल्ट, 12 वोल्ट, 8 वोल्ट, इस तरह ही अप डाउन हो रहा है। तो यह कौन सा फॉल्ट है, ये ESD सप्लाई लाइन है। और उसके बाद इसका वर्टिकल सप्लाई लाइन देखिए 26 वोल्ट, ये भी फैक्चुरेट हो रहा है बट प्रॉपर वोल्ट आ रहा है और डाउन हो जाता है। ये रेगुलेटर सप्लाई वोल्ट ये भी आ रहा है और डाउन हो जा रहा है। और उसके बाद ये साउंड सेक्शन का सप्लाई, ये भी आ रहा है प्रॉपर वोल्ट और वो डाउन हो जाता है। तो इसी तरह इसका फॉल्ट है, सेट मतलब ऑन नहीं हो रहा है। और इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसका सीरीज बल्ब किस तरह ये अप डाउन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये अप डाउन हो रहा है। तो चलिए, ये प्रॉब्लम कैसे रेडी किया जाता है, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको इसी टाइम जो दिखाऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम कौन सेक्शन का फॉल्ट है। तो जो न्यू टेक्नीशियन, वो फर्स्ट टाइम ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेंज किया है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को। तो कोई बात नहीं, एक बार इसी टाइम क्या देखना पड़ेगा कि ये जो ESD सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है, ये जो ESD सप्लाई रेजिस्टेंस का एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं, तो दोस्तों देखिए, ये ESD सप्लाई डायोड, ये 2.2 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। ESD सप्लाई डायोड को ओपन किया, ओपन करने के बाद एक ये 100 वाट बल्ब, ठीक है, इस तरह 100 वाट बल्ब लेना पड़ेगा। और ये जो डायोड से सप्लाई आउटपुट हो रहा है, बीच में जम्पर है और ये रेजिस्टेंस का इनपुट पॉइंट पर आपको ये सीरीज बल्ब कनेक्शन करना पड़ेगा। और उसका साथ ये जो अलग पॉइंट है, ये आपको नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम एक बार सप्लाई देके आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आता है। और ये 100 वाट बल्ब मैं ये पोजीशन पर रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई देने का साथ साथ इसका डैमी लोड, ये 100 वाट बल्ब ग्लो हो गया। तो इसका जो अप डाउन प्रॉब्लम अभी नहीं है, तो चलिए इसी टाइम एक बार इसका ESD सप्लाई वोल्ट और अलग अलग वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ये नेगेटिव है और ये
देखिए दोस्तों, 113 वोल्ट ESD सप्लाई अभी परफेक्ट है, कुछ भी अप डाउन फ्लैक्चुरेट नहीं हो रहा है। और ये वर्टिकल सप्लाई देखिए 28 वोल्ट है, रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 12 वोल्ट है और साउंड IC सप्लाई 15 वोल्ट है। इसका मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है, इसका अलग अलग आउटपुट सेक्शन सब कुछ ओके है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ किया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ESD सेक्शन पर जो सप्लाई जा रहा है, ये सेक्शन का अंदर कुछ शॉर्टिंग है, कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, तो दोस्तों चलिए आपको दिखाना चाहता हूँ इसी टाइम कि कुछ कुछ प्रॉब्लम मीटर से चेक करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये पार्ट शॉर्ट है, तो इसी तरह हो सकता है ये एक फॉल्ट है। तो मीटर को कॉन्टिन्यू मोड पर एक बार मैं रखा हूँ, रखने के बाद इसी टाइम एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि जो ESD सप्लाई, देखिए ये कॉन्टिन्यू मोड पर है और दोस्तों ये ESD सप्लाई लाइन है, और ये ESD सप्लाई लाइन का साथ ये कैपेसिटर का एक बार देखना पड़ेगा। देखिए ये कैपेसिटर शॉर्टिंग नहीं है, प्लस इसका साथ ये जो नेगेटिव ये भी शॉर्टिंग नहीं है, और उसका बाद ये आउटपुट लाइन है, देखिए ये आउटपुट लाइन का साथ ये नेगेटिव का साथ भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। और क्या देखना पड़ेगा, ये नेगेटिव का साथ भी शॉर्टिंग नहीं है, कुछ रीडिंग तो आ रहा है। 180 वोल्ट इसका कनेक्शन है, बाद इसका बाद जो डायोड है ये डायोड पोजीशन भी शॉर्टिंग नहीं है। तो इसी तरह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, तो दोस्तों ESD प्रॉब्लम से भी इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये ESD को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सामने ESD को मैं ओपन करूँगा ये नीडिल लेके, तो दोस्तों ये वीडियो का फुल वॉच कीजिए, फुल वॉच करने के बाद मेनली न्यू टेक्नीशियन को बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास ये जो नीडिल है, नीडिल लेके आप ESD ओपन करेगा तो बहुत ही कम टाइम से आप ESD को ओपन कर सकते हो। तो ये पोजीशन को मैं थोड़ा सा स्पीड कर दिया और नीडिल लेके इसका ESD को मैं ओपन कर दिया, और आपका सामने ही मैं ये पोजीशन पर मैं एक न्यू ESD लगाऊंगा। ESD का जो नंबर 1010 का ESD है, 1010A, तो मेरे पास ये न्यू ESD है 1010A का, तो ये ESD यहाँ पर मैं लगाऊंगा। लगाने के बाद आपको सामने मैं सोल्डरिंग करूंगा, सोल्डरिंग करने के बाद सप्लाई वोल्टेज सब कुछ आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या रिजल्ट आता है, और इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता होगा कि नहीं ये भी सब कुछ देखना पड़ेगा। और उसका बाद जो रेजिस्टेंस बर्न हो गया वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये सब कुछ आपको वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन का बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर ओपन किया, तो वो ऑनलाइन स्टोर का अंदर बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मिल जाएगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर देख के रखा हूँ, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो स्टोर मैं बना के रखा है उसका अंदर आपका प्रोडक्ट, मान लो कुछ भी पार्ट्स आपका ज़रूरत पड़ेगा और वो लिस्टिंग के अंदर नहीं है, तो मुझे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दोस्तों व्हाट्सअप नंबर आप वो जो ऐप है ऐप ओपन करने के बाद उसका अंदर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों ESD को मैं लगाया, और उसी के बाद ये जो रेजिस्टेंस ESD सप्लाई रेजिस्टेंस को ओपन किया था, ये रेजिस्टेंस को मैं ऊपर से कनेक्शन कर देता हूँ टेस्ट करने के लिए, बाद में मैं उसको ये रेजिस्टेंस को मैं ऊपर से कनेक्शन करूँगा, ठीक है। इसी टाइम दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, और चलिए आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और प्रॉपर ESD सप्लाई वो बांधता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी देखिए ESD सप्लाई अभी 111 वोल्ट ये परफेक्ट आ गया, फर्स्ट टाइम जो डाउन था और सीरीज बल्ब अप डाउन प्रॉब्लम ये अभी नहीं है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ESD अभी बन गया, ESD का जो फायरिंग अभी इस तरह टाइम मत कीजिए, बट तब भी आपको दिखाता हूँ, देखिए ESD अभी बन गया। और दोस्तों आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए, देखिए इसका सीरीज बल्ब अप डाउन अभी नहीं हो रहा है। तो चलिए उसका बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस ये भी लगाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों इसका जो दो रेजिस्टेंस जल गया, देखिए ये रेजिस्टेंस का पोजीशन नंबर R406
ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस नंबर R403, तो ये दो रेजिस्टेंस को मैं चेंज करूँगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या है आपको सब कुछ क्लियर करके देखाऊँगा कि, और ये क्यों जल गया ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस को मैं चेंज करूँगा ये 3.3 के, और ये दोस्तों 2.7 के का रेजिस्टेंस जिसका पोजीशन नंबर 403, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा। तो फर्स्ट पोजीशन का जो रेजिस्टेंस, देखिए आपको मीटर लेके दिखाता हूँ। मीटर को मैं 200 किलो रेंज पर रखा है, और ये देखिए 3.3 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो दोस्तों ये ABL लाइन का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस लगाने का बाद पिक्चर सब कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ABL लाइन फॉल्ट होगा तो इसी का रीजन से ऐसे भी फॉल्ट हो सकता है। बट लगता है कि इसका ESD फायरिंग, इंटरनल फायरिंग के बजाय इसका रेजिस्टेंस जल गया, हो सकता है ऐसे भी फॉल्ट हो सकता है, बट एक बार पिक्चर देखिए इसलिए देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस 2.7 के का, बट मेरे पास 2.7 के नहीं है, ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू 2.2 के का, ठीक है। ये 2.2 के का रेजिस्टेंस है। चलिए मीटर लेके एक बार अच्छा करके और देखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस 5 वोल्ट जो सप्लाई लाइन होता है, जो रेगुलेटर सप्लाई होता है 5 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई का साथ, तो दोस्तों ये तो 21 के देखा जाता है। तो दोस्तों 2.7 लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं रेजिस्टेंस ढूंढ के देखता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास 2.7 के रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये पोजीशन पर अब देखिए 3.3 के रेजिस्टेंस मैं ये लाइन का अंदर ही लगाता हूँ। तो लगाने का बाद देखूँगा कि क्या रिजल्ट आएगा। तो चलिए ये दो रेजिस्टेंस को मैं लगाया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को लगाया। लगाने के बाद चलिए इसको सोल्डरिंग करके आपको सप्लाई देके देखूंगा क्या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस तो मैं लगाया, चलिए उसका बाद ये रेजिस्टेंस बाद में लगाऊंगा, फिर भी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि ये जो पोजीशन का ABL लाइन का रेजिस्टेंस ये जल जाता है कि नहीं। तो दोस्तों आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस का पोजिशन आप अच्छा करके देखिए, बहुत टाइम ये ABL का रेजिस्टेंस बर्न हो जाता है, बर्न होने का वजह बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ये जो ESD का लास्ट ये दो नंबर पिन जो देखिए, फर्स्ट पोजीशन का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो नंबर लिखा है रेजिस्टेंस का पोजीशन नंबर R407। दोस्तों अलग अलग कंपनी चाइना PCB के अंदर ये पोजीशन नंबर भी अलग हो सकता है, 407 है बट 417 भी हो सकता है। इसका फर्स्ट पोजीशन रेजिस्टेंस नंबर 1.5 के, ठीक है। तो और फर्स्ट पोजीशन का बाद इसका जो लाइन जा रहा है ये लाइन का अंदर जो सेकंड पोजीशन का जो रेजिस्टेंस देखिए ये 3.3 के, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सभी चाइना PCB के अंदर सेम नंबर का रेजिस्टेंस देखा जाता है। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस चेंज किया इसका तीन नंबर पोजीशन का जो रेजिस्टेंस, ये दोस्तों 5 वोल्ट सप्लाई का साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्शन है। मैं अलग PCB पर देखा कि एक PCB के अंदर 5K रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ देखा, और एक PCB पर देखा कि यहाँ पर 2.7K। दोस्तों मैं इसका मिडिल 3.3 के रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ कर दिया, और ये जो लाइन जा रहा है बीच में और एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद दोस्तों ये एक डायोड है, और ये डायोड जो देखिए ये IC से एक ABL सिग्नल ये डायोड का थ्रू इधर आता है, और उसके बाद ये लाइन से ESD साइड पर जाता है, ठीक है। तो सप्लाई देके देखना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस फिर भी बर्न हो जाता है कि नहीं, बर्न हो जाएगा तो ज़रूर दोस्तों IC को एक बार रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार सप्लाई देके देखता हूँ। दोस्तों सप्लाई तो दे दिया,
देने के बाद एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखना पड़ेगा। ईएसटी सप्लाई अभी 111 वोल्ट, ये ओके है। इसका बाद ईएसटी 180 वोल्ट सप्लाई 145 वोल्ट, और इसका ये जो एबीएल लाइन पर 4.5 वोल्ट। तो दोस्तों मैं डीसी रेंज पर आपके टेस्ट कर रहा हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस को मैं चेंज किया, देखिए ये एक साइड 5 वोल्ट, ये मेन सप्लाई लाइन है जो रेगुलेटर से आता है, और इसका बाद ये रेजिस्टेंस देखिए 4.7 वोल्ट का आसपास, ये एबीएल लाइन का, ठीक है। और ये जो डायोड का पोजीशन देखिए, आईसी से सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, और इसका डायोड का पहले जो आईसी पिन पर 4.7 वोल्ट, ये एबीएल लाइन का वोल्टेज। अब अच्छा करके देखिए, ये आईसी पिन पर ये वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये पीसीबी को पिक्चर टिप पर कनेक्शन करके एक बार देखना पड़ेगा कि पिक्चर सही आ रहा है कि नहीं। मैं सप्लाई को ऑफ किया, और ये रेजिस्टेंस देखिए अभी दोस्तों बर्न नहीं हो रहा है, और कुछ भी हीटिंग भी नहीं हो रहा है। तो लगता है ये आईसी भी ओके है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ईएसटी का जो अंदर फायरिंग, इसी का वजह से इसका रेजिस्टेंस बर्न हो गया था। तो चलिए फाइनली सप्लाई पिक्चर ट्यूब पर सब कनेक्शन करने का पता चल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी को मैं एक पिक्चर ट्यूब पर फिटिंग्स किया, और देखिए ये पैनल बॉटम मैं लगाया, क्योंकि ये भी मुठ काटना पड़ेगा इसीलिए। तो दोस्तों ये भी मुठ काटने के बाद इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। दोस्तों थोड़ा सा ईएसटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ये अलग पिक्चर ट्यूब है, ये एडजस्ट करने का अभी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।